सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं सोचता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं एक साउंड बार का अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 600 रुपीस के अंदर मिल रहा है। और चलिए, इसका नाम भी आपको बताता हूँ। यह जबरोनिक्स का जब वंडर बार 10, इसका तो मैं आज अनबॉक्सिंग करूँगा, उसके साथ साथ इसका साउंड टेस्ट भी करेंगे और इसका जो बेस कैसा है वो भी आपको बताऊँगा और इसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है और इसका कुछ फीचर्स और क्या ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है और आपको क्या इसको परचेस करना चाहिए या नहीं चाहिए, आज इस एक वीडियो के अंदर आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरे शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक एंड आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टार अभिषेक टेक्निकल। सो फ्रेंड्स, चलिए इसका वीडियो स्टार्ट करते हैं। कितना बड़ा सा पैकेट है, फिर भी इसको तो अभी कट करना होगा। इसको मैं अमेजोन से ऑर्डर किया था और इसका जो प्राइस कितना है वो आपको इसका बिल में दिखाऊंगा। तो चलिए इसको कट कर देते हैं। इसको अभी निकालते हैं और देखते हैं इसका क्वालिटी कैसा है। फ्रेंड देखिए, यह है जेब्रोनिक्स का जेब वंडर वार 10 और अभी तक भी मैं इसको ओपन नहीं किया हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं इसका जो पैकेट का क्वालिटी थोड़ा पुराना लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह आपको मिलेगा और इस बॉक्स के ऊपर इसका कुछ स्पेक्स लिखा हुआ है, जैसा कि इसमें USB मिलता है और ये सिर्फ ऑक्स को सपोर्ट करता है और इसमें 8GB LED लाइट है और वॉल्यूम कंट्रोलर भी है और ये 2-in-1 कैसे है वो भी आपको बताऊंगा। इसमें ईयरफोन के लिए भी 3.5mm का एक जैक भी मिलता है, वो भी आपको दिखाऊंगा। और इसका जो MRP देख सकते हैं 1400 रुपीज़ है। तो चलिए, इसका तो मैं आपको सब कुछ दिखाई दिया, तो चलिए ये जो बॉक्स को अभी ओपन करते हैं। और इसके ऊपर कुछ भी सील नहीं मिलता है, इसलिए मैं इसको अभी ओपन कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपको इसी तरह स्पीकर मिलेगा और ये बहुत ही सेफ्टी के साथ आता है। तो चलिए इसको भी यहाँ पर निकाल देते हैं और देखते हैं इसमें वारंटी कार्ड या और कुछ है। नहीं फ्रेंड्स, इसमें कुछ भी नहीं मिलता है, इसका वारंटी कार्ड या मैनुअल कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलता है। और इसका बिल कहाँ पर गया, मुझे लगता है कि इसी के अंदर शायद बिल होगा। तो देखेंगे इसके अंदर है या नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके अंदर है बिल। देखिए यहाँ पर है बिल। देखिए जेब्रोनिक्स जेब वंडर वार 10 USB पावर डिस्क 2.0 कंप्यूटर स्पीकर विथ 8GB लाइट और इसका जो प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हैं 619 रुपीज़ मुझे पे करना पड़ा था, लेकिन अमेजोन पे मैं 50 रुपीज़ का कैशबैक मिल गया था, इसी वजह से इसका प्राइस मुझे पड़ा था 569 रुपीज़। देखिए फ्रेंड, 600 रुपीज़ के अंदर ये मुझे मिल गया था। तो चलिए इसको अभी मैं साइड में रखता हूँ और चेक करते हैं कि अभी का इसका प्राइस कितना है। देखिए फ्रेंड्स, अभी इसका प्राइस कितना है, देखिए 899 रुपीज़ है। इतना ज़्यादा क्यों हुआ है ये तो मुझे पता नहीं है, फिर भी इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा रहता है और जब सेल चलता है तो इसका प्राइस बहुत ही कम होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और अमेजोन पे में जो कैशबैक मिला था उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए उसको भी दिखाता हूँ। और देखिए यहाँ पर मुझे 50 रुपीज़ का ऑफ मिल गया था। देखिए इसके बारे में भी लिखा हुआ है, जेब्रोनिक्स जेब वंडर वार 10 इसको मैं परचेस किया था, इसीलिए फ्लैट मुझे 50 रुपीज़ का कैशबैक मिल गया था। और ये फ़ोन को मैं अभी साइड में रखता हूँ और देखेंगे ये स्पीकर को। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको अभी मैं निकाल देता हूँ और ये मुझे देखने में फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा लग रहा है। पावर इनपुट के लिए मिलता है USB और इसको करंट देने के लिए आप पावर बैंक नहीं तो फ़ोन का चार्जर को यूज कर सकते हैं। और ये चलने के लिए मिनिमम 5 वोल्ट का करंट चाहिए, यानी 5 वोल्ट 1 एम्पियर जो कि 5 वाट। और इसमें एक जो ऑक्स इनपुट केबल मिलता है, आप इसी के थ्रू साउंड इनपुट को दे सकते हैं। जिसी डिवाइस में आपका 3.5mm का जैक है, अपने उसी डिवाइस में इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपका लैपटॉप, फ़ोन, TV। इसमें लिखा हुआ है कि 2-in-1, ये क्यों लिखा हुआ है चलिए वो भी आपको बताता हूँ। आप इसको साउंड बार के तरह यूज कर सकते हैं और सिंगल स्पीकर के तरह भी यूज कर सकते हैं। देखिए सिंगल सिंगल करके, देखिए आपको इसी तरह यहाँ पर प्रेस करना होगा और उसके बाद देखिए अलग अलग हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये साउंड बार का हाइट है 39 सेंटीमीटर और इसको अलग अलग करने से ये डिवाइड हो जाता है। और ये जो दोनों साउंड बार देख रहे हैं, यह 5 वाट RMS का साउंड आउटपुट देता है और यह भी 5 वाट RMS का साउंड आउटपुट देता है, यानी ये दोनों मिला के टोटल 10 वाट RMS का साउंड आउटपुट देते हैं। अभी मैं इसको एक मेरा एक पावर बैंक के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, तो देखेंगे इसका जो 8GB लाइट कैसा लगता है। देखिए, और ये क्यों नहीं चलता है ये तो मुझे पता नहीं है, मुझे लगता है कि शायद ये ऑफ होगा। इसको ऑन करने के लिए आपको इसको घुमाना होगा। देखिए
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये ऑन हो गया है और इसका जो आरजीबी लाइट देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मेरा स्टूडियो में बहुत सारे लाइट है, फिर भी देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मिलता है माइक्रोफोन का 3.5 mm का एक पोर्ट और यहाँ पर मिलता है हेडफोन के लिए एक पोर्ट जो कि 3.5 mm का है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये फीचर। और देखिए कितना पतला है, और देखिए इसको आप साउंड बार के तरह भी यूज कर सकते हैं और सिंगल स्पीकर के तरह भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब इसको मैं साउंड बार में भी कन्वर्ट कर देता हूँ। देखिए अभी हो गया ये हमारा साउंड बार, और देखिए देखने के लिए ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसमें स्पीकर मिलता है, आपको 4 नहीं मिलता है, आपको यहाँ पर 2 स्पीकर मिलता है, जो कि एक है यहाँ पर और एक है यहाँ पर। और यहाँ पर जो दोनों देख रहे हैं, कोई सोच रहे हैं कि ये भी स्पीकर है, ये स्पीकर नहीं है, ये इसी तरह RGB यहाँ पर लगा हुआ है जो कि देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर एक स्पीकर है और इसमें भी एक स्पीकर है, और इसको निकल कर भी आपको दिखाता हूँ। देखिए आपको अच्छे से पता चल जाएगा। देखिए इसका जो नीचे देख रहे हैं यहाँ पर मिलता है इसका स्पीकर, और यहाँ पर ऊपर स्पीकर नहीं है। तो चलिए इसको तो मैं आपको दिखाई दिया, और इसका जो बिल्ड क्वालिटी कैसा है वो भी आपको बताता हूँ। फ्रेंड देखिए इसका जो बिल्ड क्वालिटी, ऊपर मिलता है इसका मेटल, और इसका पीछे मिलता है प्लास्टिक का बॉडी, और इसका नीचे मिलता है एक वॉल्यूम कंट्रोलर, और यहाँ से भी आप इसको ऑफ कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। ये ऑफ हुआ और अभी ऑन हुआ, और उसका अच्छा यहाँ पर एक होल है, क्योंकि जब आप कोई गाना प्ले करते हैं ये अगर बेस ज़्यादा होता है तो उसका एयर जाने के लिए यहाँ पर एक होल है, क्योंकि इसका जो बेस थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स अभी तो मैं आपको इसका अनबॉक्सिंग दिखाई दिया, और इसका बिल्ड क्वालिटी और इसका डिजाइन और इसका स्पेक्स आपको सब कुछ बताई दिया। तो अभी इसका साउंड टेस्ट करने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ जो कि जेब्रोनिक्स जेब वॉरियर। ये भी देखिए इसी तरह एक स्पीकर था, और इसका भी RGB लाइट इसमें भी मिलता है। तो देखिए इसको भी आपको थोड़ा दिखाता हूँ, और उसके बाद इसका साउंड टेस्ट करेंगे। तो देखिए इसका भी जो RGB लाइट वो भी आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने के लिए, और ये भी सेम प्राइस रेंज के अंदर मिलता है। और इसका भी अनबॉक्सिंग वीडियो मैं बहुत ही पहले बना दिया था, अगर आपने इसका अनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर आई कार्ड में इसका अनबॉक्सिंग वीडियो मिल जाएगा। तो इस वीडियो ख़त्म होने के बाद आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और ये जो साउंड बार आप देख रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसका जो RGB लाइट है मुझे बेस्ट लगा। तो चलिए इसका भी मैं साउंड टेस्ट करने वाला हूँ, और इसको अलग अलग कर देता हूँ क्योंकि ये दिखाने के लिए थोड़ा अच्छा होगा। देखिए यहाँ पर मैं इसको दोनों अलग अलग कर दिया, तो अभी ये जो पावर यहाँ पर दे दिया हूँ, और ये जो 3.5 mm जैक है उसको मैं फ़ोन के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। चलिए अभी एक नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक को चलाता हूँ। साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये स्टेरियो को भी सपोर्ट करता है, स्टेरियो साउंड को, और ये स्टेरियो साउंड को भी सपोर्ट करता है। और इसका जो साउंड का क्वालिटी वो प्राइस के हिसाब से बेस्ट है। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स आपने तो इसका साउंड क्वालिटी सुन लिया, तो चलिए अभी इसमें एक मैं बेस सॉन्ग चलाता हूँ, जिसमें ज़्यादा बेस है वही वाला एक सॉन्ग को चलाता हूँ, और इसका बेस कैसा है वो भी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। आप हेडफोन को भी यूज़ कीजिए, क्योंकि इसका जो बेस का क्वालिटी कैसा है वो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए सुनते हैं। तो यहाँ पर मैं साउंड को फुल भी दे देता हूँ, यहाँ पर फुल है, फोन में भी फुल है। फ्रेंड्स प्राइस के हिसाब से बेस्ट ठीक ठाक है,
क्योंकि इसमें पैसिव रेडिएटर नहीं मिलता है और उफर भी नहीं मिलता है। और आपको पैसिव रेडिएटर या उफर कैसे मिलेगा, प्राइस तो बहुत ही कम है। इसीलिए ये जो मेन स्पीकर से इसका जो बेस निकल रहा है, और इसीलिए इसका जो बेस इतना अच्छा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक है, लेकिन आपको इतना फील नहीं होता है जैसा कि महंगा महंगा स्पीकर में फील होता है, उसी तरह बेस इसमें फील नहीं होता है, लेकिन बेस इसका ठीक ठाक है। और प्राइस को कंसिडर करते हुए मैं बोल रहा हूँ कि इसका साउंड क्वालिटी ठीक ठाक है और इसका जो बेस वो भी एवरेज है, इतना अच्छा नहीं है कि इतना बुरा नहीं है। और अभी आपको बताता हूँ क्या ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, और क्या आपको इसको परचेस करना चाहिए या नहीं चाहिए। देख, इसमें 10 वाट RMS का साउंड आउटपुट मिलता है और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है, मैं फ्रेंड्स क्या ही बताऊँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेटल का यहाँ पर ग्रिल मिल रहा है और प्लास्टिक का बॉडी, और इसका जो डिज़ाइन पूरे प्रीमियम है। आपको नहीं लगेगा कि इसका प्राइस है 600 रुपीज़। और इसमें वॉल्यूम कंट्रोलर मिलता है और इसमें माइक्रोफोन और हेडफोन के लिए भी 2 जैक मिलता है, जो कि मुझे बेस्ट लगा। और आप इसको 2-in-1 यूज कर सकते हैं, यानी आप इसको साउंड बार के तरह यूज कर सकते हैं और इसको सिंगल सिंगल भी यूज कर सकते हैं, जो कि मुझे ये भी बेस्ट लगा। और इसका जो RGB लाइट वो मुझे सबसे बेस्ट लगा। और इसमें जो फीचर मिसिंग है वो है इसमें ब्लूटूथ नहीं मिलता है और इसमें USB स्लॉट और मेमोरी कार्ड स्लॉट कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि ये एक कंप्यूटर स्पीकर है। सेल में इसका प्राइस होता है 600 रुपीज़। अगर आपने अभी के टाइम पे इसको परचेस करना चाहते हैं तो अभी है 900 रुपीज़। क्या आपको इसको परचेस करना चाहिए या नहीं चाहिए, अभी बताता हूँ। देखिए, अगर ये आपको 600 रुपीज़ के अंदर मिलता है तो ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है और आप इसको परचेस कर सकते हो। अगर ये आपको 900 रुपीज़ में मिलता है तो भी आप इसको परचेस कर सकते हैं, लेकिन ये आपको इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं लगेगा। इसलिए अगर आपने इसको परचेस करना चाहते हैं तो सेल के लिए वेट कर सकते हैं। कभी कभी इसका प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है, और इसका जो बेस्ट बाय लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। अगर आपने इसको परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन को एक बार विजिट कीजिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो का एंड में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो आपको कैसा लगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने एक एक लाइक करते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता है। और फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं फिर भी हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो फ्रेंड्स आप क्या कर रहे हो, ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन देख रहे हैं उसी को दबा के सब्सक्राइब कीजिए, और उसके पास में जो बेल आइकन है उसी को दबा के ऑल कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।